असल नाजीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ बहुत से सवाल हैं जो आज की निगरान हुकूमत ने जिसके जवाब देने हैं मुर्जा सुलंगी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर निगरान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं सुलंगी साहब असल सलाम सब बड़े सवाल हैं लोगों के अच्छा। लोगों से मुरादा मुराद आपके जो सियासतदान इलेक्शन लड़ने लड़ने जा रहे हैं उनके सबसे ज्यादा सवाल हैं आजकल ये क्यों नहीं आप यकीन दिला पा रहे सियासदानों को इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे मेरे तो ख्याल में अब किसी को इस पर शोक शुबा नहीं है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे तारीख आ गई पहले तो शोर था कि जी नहीं जरूर इनकी नीयत में फितूर है कि तारीख नहीं दे रहे वो तो आ गई तारीख आठ फरवरी की और ऐसी तारीख जिस पर इतफाक रहा है पटिशने भी आ गई बहुत सी मुलवी किए जाए सुने सर बयान आ गए गवर्नर खैबर पख्तूनखा कहता है दो सूबों में कैंपेन नहीं हो सकती मौलाना साहब कहते हैं दो सूबों में कैंपेन नहीं हो सकती को सर्दी की बात करता है इन चीजों को देखकर शक होता है कि यार ये तो कोई डिजाइन किसी ड्रामे का किसी किसी तरीका कार का एक हिस्सा नजर आ रहा गवर्नर साहब ने तो इलेक्शन नहीं कराने इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने उनको जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो पूरी कर दी गई बयालीस अरब रुपए का बजट था पहले दस अरब अरब दिए एक दिन कहा कि जी पैसे हमें पैसे कम है सत्रह अरब चालीस करोड़ चाहिए भागे भागे आए सेक्टरी खजाना कहा जी कल दे देंगे वो दे दिए तो सत्ताईस अरब और चालीस करोड़ दे दिए बाकी जो बयालीस अरब में रहता है जब वो मांगेंगे देंगे तो आपको सिक्योरिटी और... चाहिए सिक्योरिटी दे देंगे जो उनकी जरूरियात बेहतर हो गए ना पहले पंजाब और केपी के इलेक्शन में कहते थे सिक्योरिटी खराब है इसलिए नहीं दे सकते अब हालात बेहतर हो गए इसलिए सिक्योरिटी मिल जाएगी देखे अभी तक तो जो हालात हैं उसमें सिक्योरिटी का ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम उनकी ज़रूरत पूरी ना करें ये जो केपी और बलोचिस्तान स्पेसिफिकली आपसे पूछो क्या आपको हालात देखकर जब आप मीटिंग्स में बैठते हैं चाहे वो दाखला की मीटिंग्स हो या हाई लेवल मीटिंग क्या ये खदशा किसी ने इसका इजहार किया सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कि हालात खराब हैं सर देख लें या हम इनकी जरूरत पूरी नहीं या आपका असेसमेंट या हुकूमत का असेसमेंट किया इतने खराब हालात हैं कि इलेक्शन ना हो पाए आज जब हम ये गुफ्तु कर रहे हैं ऐसे कोई हालात नहीं जिन जिनके हवाले से ये हम कह सकें कि जी कोई हमें हम कोई दूसरे कोई वस कोई सेकंड थाट्स इस तरह के आ रहे हों, न इस तरह की बात इस तरह से वाज तौर पर किसी इदारे किसी ग्रोह ने हमारे सामने की है कि जी देख लें जैसा कि आप कह रहे हैं तो ऐसी बात नहीं हुई है अलबत् सिक्योरिटी के मामला तो हैं वो पहले भी थे इससे शदीद भी रहे हैं दो हजार तेरह में आपको पता है तो अभी तक आज जब हम गुफ्तु कर रहे हैं ऐसे हालात नहीं है जिसकी वजह से जो आम जो कि पूरे मुल्क में होने हैं उनको कोई आगे पीछे किया जा सके जाना चाहिए या इसका हालात आपको नजर नहीं आ रहे मैं मैं आपको बिलावल भुट्टो साहब आपसे कुछ सवाल पूछ रहे सवाल आपसे नहीं पूछे लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूं उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनखा के बारे में कहा गया कि वहां पर तो फैसला हो चुका है हुकूमत किसकी है जरा मैं चाहता हूं आप सुन लें और फिर इसका जवाब रहे रहे बड़े लीडर है, आ, रहे हैं हैं जो कह हमारे मुल्क में साहब दूसरा रोला ये होता है कि जब वक्त और हालात होते हैं ना उस वक्त कोई नहीं मानता कि हालात खराब है मतलब दो में जब वो इंजीनियरिंग चल रही थी किसी ने नहीं कहा उस टाइम को कुमा, मानता ही नहीं था नहीं सर ऐसे होता ही नहीं और बाद में आज सारे कह रहे हैं जनाब वो दो के इलेक्शन तो रिक्त थे क्या कहा बिलावल साहब ने कि पख्तूनख्वास से आप अपना कन्वेंशन का आगाज न करें हमें कहा गया कि पाकिस्तान की जो सियासत में जो आज सब कुछ हो रहा है यहाँ तो फैसला तो हो गया है किसी और को वजीर आला बनाना है अब आए अगला इंटरव्यू आप कब करेंगे बिलावल का जब देंगे पहला नहीं दिया अगला कहां से तो जब आपका इंटरव्यू उनसे पूछेगा कि जब वो कह रहे हैं कि हमें कहा गया वो किसने कहा था आपसे मैं पूछा किसने कहा ये तो वही बात में क्या ऐसा होता नहीं हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की हमारे हिसाब से तो चारों सूबे उनके अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को ये अपनी सरगर्मी करने की इजाजत इजाजत है और बिलावल साहब ने तो पहले भी जलसे किए हैं अब भी कर रहे हैं आइंदा भी करेंगे हमें इस पर कोई एतराज नहीं है हम क्यों कहेंगे कि जी आप फलाना करें फलाना करें पंजाब से करें दूसरी जगहों से करें हर जगह करें सो so, वो वो जो कह रहे रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। मैं इतने बड़े लीडर के बारे में ये कह सकता हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो जलसे पे खड़े होकर कह रहे हैं। कोई ना कोई बेसिस तो होगा ये बात करने का ना उनके पास देखे हर चीज की कोई ना कोई बेसिस तो होती है लेकिन मैंने तो आपसे यही गुजारिश की कि जब वो कह रहे हैं कि हमें कहा गया कि आप ना करें तो वो उनसे आप पूछ लें कि जी किसने कहा है क्योंकि हमने नहीं कहा और किसी ने आपका काम आप तो आपकी गाल, गाल भी नहीं, तो क्यों? तो वास दी गाल दी नहीं तो है मेरे, मेरे तो फिर पूछ दे क्योंकि गलत नहीं है फिर मेरे दो ये ना क्यों? ना ये कहे हमने नहीं दी हमारे तो ही नहीं कहा हमारा तो ही है हम क्या करें जानते नहीं छोटे बात ये है कि ये ऐसा सवाल है जो खासा मुभिम है तो इसका जवाब आना चाहिए और जिसने भी कहा है फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा क्योंकि हमने नहीं कह नहीं सकता ये आपका, ये आपका ख्याल है ये और आपको, ये मेरा यकीन है और ये मेरा ईमान भी है देखे आपके यकीन और ईमान ये आपका इंफरादी अमल है और अभी तक आपको इस तरह के सोचने की इजाजत है क्या और कानून के तहत ठीक फिलहाल आजादी राय की आजादी जी जी विधारे राय की आजादी मियां साहब सेलेक्ट हो रहे हैं चौथी मरतबा ये कौन कह रहा है बिलावल साहब कह रहे हैं। अच्छा, उनको कोई इतला पहुंची होगी कि वो सिलेक्ट हो रहा है आप मेरे पास पास कोई इतला आप नहीं।, नहीं ऐसा नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका फैसला अगले इंतखाबात के नतज करेंगे आप और मैं नहीं करेंगे लेकिन आपको इधर एक क्या आप आप ये बात जानते हैं कि इंतखात के नतजार अठारह में फैसला किया तहरीके साब जीती है क्या वो फेयर इलेक्शन थे देखें एक सहाफी के तौर पर हमने उस इलेक्शन को कवर किया तो उस वक्त जो मेरे अंदाजे थे मेरे बहुत सारे दोस्तों के थे कि जो अभी इलेक्शन हुआ भी नहीं था जो प्री पोल जो माहौल था उसमें वाज नजर आ रहा था कि ये मुनफाना नहीं हो रहे और बाकी चीजों को छोड़ दें हमारी और आपकी बात को छोड़ दें लेकिन यूरोपीय यूनियन की जो रिपोर्ट है फाइनल रिपोर्ट उसको पढ़ लें उसके अंदर बहुत वजाहत के साथ लिखा है कि किस तरीके से प्रीपोल धांधली हुई इलेक्शन के दिन क्या हुआ और इलेक्शन के बाद क्या हुआ वो तो सबने देखे जिस तरह प्रीपोल so, रेगिंग होती है जब पार्टियों को तोड़ा जाए साउथ पंजाब महाज बनाया जाए किसी लीडर को फ्री फील्ड दी जाए उसके मुखालफों को जेलों में डाला जाए उनको सजाएं दी जाए टेक्निकल ग्राउंड पर नॉकआउट किए जाए आजकल के माहौल की मैं आपको बात बता देता हूं जो आप हम और आप मिलकर देख रहे हैं जो हमारा सियासी माहौल है चले सजा हो गई वो तो इमरान खान साहब जाने अपने केसेस भुगतेंगे और जवाब देने चाहिए लेकिन मैंने जब फॉर एग्जांपल आप तोा खाना देखें कि जी आपने इस खाने में नहीं लिखा इस खाने में दिस इज कॉल्ड अ टेक्निकल नॉकआउट बाकी अब केस उनके ऊपर चल रहे हैं देख लेते क्यों मिया साहब लंदन से उठने लगते हैं आपका हाई कमिश्नर जाके उनको एक अच्छी वार्म सेंडिंग ऑफ देता है। मिया साहब हैं क्या ही स्टिल अभी भी सजा याफ्ता है और एबस्कॉर है मफरूर है अदालती हुक्म के मुताबिक यहां पर नादरा अद... ये ये सर्विस भी बड़ी है, आम इसी तरह की चीजें देखकर आपको ये इशारे मिलते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं नादरा एयरपोर्ट पर जाता है फिंगरप्रिंट लगवाता है मिया साहब को लंडन से टेक ऑफ करने से पहले पता है मुझे कोई माइकल आल पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं कर सकता ब्लैंड करते हैं जमानतें मिलती हैं जाके लाहौर में जलसा करते हैं जब किसी और को या कम अज कम के मुखालफी को पंजाब में जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही यही देखकर कहा जाता ना कि इलेक्शन के अंदर कोई मनूवरिंग हो रही है उसके अंदर कोई गेम गेम चल रही है यही हालात होते हैं ना इसी किस्म की चीजें देखकर करते हैं देखें जो हमारे हाई कमिश्नर जाकर मिले थे जो मेरी इतला है वो ये है कि उस दिन वहां कोई एयरपोर्ट के करीब कोई लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस हो रही थी इससे पहले भी जो हाई कमिश्नर है वो मुख्तलिफ कम्यूनिटी के सियासी लोगों के साथ मिलते रहे पीटीआई समेत पीटीआई के भी लोगों के साथ वो मिलते रहे हैं। और एक सबक वजी बताते रहे सर बयानिया कैसे एक, बनाना है ये आपका है, ना ना ये ये रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है जो जो आ, वीडियोस मंजर यहां पर uh, उन्होंने मफरूजा मफरूज नहीं नहीं उन्होंने कहा कैसे बनाते हैं इसको को ऐसे करें इस बात को ऐसे मैंने नहीं सुना आपके पास है तो चला दो मैं आपको निकाले जी आ, 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 हाई कमिश्नर साहब की गुफ्त जी जब तक वो निकलती है आप मुझे आगे बता दें लेकिन लेबर पार्टी का एक कन्वेंशन है तो मिया साहब के पास आ आगे ये बताने के लिए सर नहीं वो मुल्क के तीन दफा मुंतब वजी आजम है वो एक सजा याफ्ता भी है और मफरूद भी है देखे उनकी जो सजा है वो फिनालिटी को नहीं पहुंची और आपने देखा कि साफ साहब के बारे में भी इस तरह की बात He ही ही ओनली एन हाँ लेकिन वो जो फाइनल स्टेज है अपील की उस तक नहीं पहुंचे थे और आपने देखा कि वो so, जो लोग अंदर जेलों में पड़े जब तक उनकी सुप्रीम कोर्ट की अपील नहीं हो जाती वो आजाद शहरी पाकिस्तान है उनके पास इलेक्शन लड़ने का राइट है उनके पास हाई कमिश्नर जाने आजादी का जो परवाना है वो आपकी कोर्ट ने दिया उनको आपने और चार हफ्ते के लिए नहीं नहीं बाद में भी जब वापस आए उन्होंने अपने आप को आकर पेश किया लेकिन उनको लंदन से आने से पहले उनका जलसा प्लान है उनको पता है कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इसलिए जलसा प्लान हुआ था देखें जलसा प्लान करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जी अदालतें आपको इसका और क्या मतलब है सर इसका आपको यहां से पता हो कि मैं आपको दस बजे तक जाने नहीं दूंगा और या मुमकिन है कि मैं ना जाने दूं मेरे पास राइट है और आप 9 बजे किसी को अपने घर बुलाने मुलाकात के लिए इसका मतलब आपको पता है कि आप 9 बजे घर पहुंच जाएंगे ना मेरे ख्याल में उनको यकीन था कि उनका केस कमजोर है और किसी तरह से भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होने वाली और उनको उनके हिसाब से रिलीफ मिलेगा जो उनको मिल गया उनको पता था या चले, उनको पता था जी मेरे ख्याल में उनको और उनकी जमात को यकीन हम कितने अच्छे लोग हमें सब पता होता है पहले से सबको पता होता है कौन इलेक्शन जीतेगा कौन अंदर जाएगा किसको सजा होगी किस तरह बाहर निकलेंगे नहीं सब जानते हैं इस तरह की बात नहीं है मेरे ख्याल में जिस तरीके से केसेस उन पर बनाए गए आ, उस हिसाब से उनको यकीन था कि जब वो वापस तशरीफ लाएंगे सरगा इतना यकीन था चार साल पहले मैं पहले आ जाते ये तो वही बता सकते हैं कि पहले उस वक्त नहीं था, इस टाइम आपके यकीन आया होगा ना नहीं वो वो यही कहेंगे आप उनसे पूछ लें अगली बार जब आपका इंटरव्यू हो मिया साहब से वो यही कहेंगे कि उस वक्त के जो हालात थे या उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही थी या कोई भी उनकी वजूहत होंगी उसके बारे में मैं ज्यादा वजाहत नहीं दे सकता उसकी वजाहत वो बिलावल साहब क्या कहते हैं सर कि इनको चौथी मरतबा सेलेक्ट किया जा रहा है जिस शख्स पहली बार फेल दूसरी बार फेल तीसरी बार फेल चौथी बार आके क्या तीर मार, मार लेंगे उसके बाद वो कहते हैं कि मैं यही पैगाम मिया साहब को देना चाह रहा हूँ कि आप अपने मौकफ से मुकर न आप अपने मंशूर पर खड़े रहें वौत को इज्जत वोट को इज्जत दें और फिर लाडले का जिक्र भी करते हैं ये लाडला क्या होता है पाकिस्तानी सियासत में देखिये ये क्योंकि एक इलेक्शन का माहौल है और ये जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं तो वो एक दूसरे को हारफुल तो नहीं पेश करेंगे ना, यही जमातें अगर तीन दफ़ा या चार दफ़ा वो सिलेक्टेड थे तो उन्हीं के साथ वो मखलूत हुकूमत में बैठे जब भी वो एक दूसरे को जफियां डालते हैं उस वक्त उनको ये याद नहीं आता कि कौन सेलेक्टेड था कौन नहीं था ये सियासत के माहौल है और आपको आप आज यहाँ बैठे हैं आज की तारीख में लेकिन कुछ सियासत के नहीं, नहीं, आज की तारीख में आप मुझे बताएं कि इन तमाम अलकाबाद के बाद जब इलेक्शन हो जाएगा तो आप इसकी जमानत देते हैं कि वो साथ नहीं बैठेंगे और एक हुकूमत का तो साथ बैठेंगे जी मेरे तो ख्याल है वो आप भी साथ बैठेंगे तो फिर आप ये कह रहे हैं कि इनके बयान को संजीदा नहीं लेना चाहिए आप ये कह रहे हैं मैं मैं तो ये कह रहा हूं कि आप नवाज शरीफ साहब को इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं मैंने कब डिफेंड किया और क्या कर रहे हो उस वक्त से नहीं आपने ये कहा कि जी वो मफरूर था तो फलां था तो सवाल पूछा मैंने कहा कि अदालत कह रहे हैं रिलीज उनको पता था उनके साथ ठीक हो रहा है उस गलत हुआ था, दो हजार सोलह में बिलावल साहब गलत बात कर रहे हैं बिलावल साहब साथ इकट्ठे बैठ जाएंगे यू आर डिफेंडिंग द पोलिटिकल सिचुएशन जो सबकी सारी सूरत है उसको डिफेंड कर रहा है मैं डिफेंड नहीं कर रहा मैं सिर्फ ये इस बात की वजाहत कर रहा हूं कि उनको यकीन था कि इस बार जब वो आएंगे तो उनको रिलीफ मिलेगा और वो उनको मिला सर तो कैसे एक सियासतदान को पता होता है लंदन में जहाज में बैठने से पहले कि मुझे रिलीफ मिल जाएगा ये तो आप उनसे पूछें या आब अदालत आब, से पूछें अब आपने ठीक जवाब दिया अब मुझे अच्छा लगा कि आपने उसको कमेंट नहीं करी ये जो कहना नहीं। नहीं। <laughs> मैं तो एक एक मंतकी एक आपको एक, एक बड़ी गैर मंतकी बात है बिकॉज यू नो एंड आई नो कि पाकिस्तान में ही इज हीज कॉन्विक्ट डिफरेंट केसेस वो एक बड़ी चार हफ्ते की कंडीशनल उस पर बेल पर पाकिस्तान से बाहर गए थे उनको मफरूर इसी अदालत ने करार दिया था उनका अदालत में पेश होना जरूरी है जरूरी नहीं कि उनको उसी दिन बेल मिल जाए मुमकिन अदालत के नहीं जी जेल में अपने आप को पहले पेश करें जो कि माजी के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में लिखा है तो ये तो कि आपको अपने आप को पहले पेश करना होगा उन अथॉरिटीज के सामने जहां अपने आपने गिरफ्तारी देनी है फिर अदालत में आप आएंगे और आपको मिलेगा लेकिन वो आने फान ये तो फिर आप अदालत से पूछे ना कि उन्होंने उनको क्यों आने दिया आपसे पूछा था मिया साहब को फिर कैसे पता था लेकिन फरक वो आपको नहीं पता होगा वो तो मियाँ साहब ही बता सकते हैं जी मिया साहब के बारे में तो वो खुद बता सकते हैं लेकिन मैं ये ये कह रहा हूं आपके सामने कि उनको अंदाजा था कि जी, जो उनके केसेस की नोयत है जो उन पर इल्जाम हैं वो किस केस कितना मजबूत है वो तशरीफ लाएंगे तो उनको रिलीफ मिलेगा और वो उनको मिला सर ये बताएं इलेक्शन कमीशन और निगरान मियाँ साहब को दो तिहाई अक्सरियत देने की कोशिश कर रही है एतजाज अहसन साहब ने कहा निगरान में नून मुस्लिम लीग नून के लिए ये बात भी उन्होंने की एतजाज़ अहसन साहब बहुत बड़े वकील हैं और उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तफ पोजिशन्स ली हैं सतर से लेकर दो हजार तेईस तक आ, वो किसी ज़माने में नवाज शरीफ के बहुत करीब थे उनके गाड़ी के शोफर भी थे उनके साथ उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किए आजकल उनको उनकी शक्ल पसंद नहीं है ये शोफर उनके नहीं थे इफ्तार चौधरी साहब के थे मार्च में, मार्च में, में साहब के साथ पिछली सीट पर जरूर बैठे जी। वो गाड़ी नहीं चला रहे चले उनके थे चले वो हम सफर थे बेहतर जी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आज उनको पसंद नहीं आ रहे। वो तो जाहिर है वो काफी अरसे से आपको नजर आ रहा है कि वो जो पोजिशन वो ले रहे तो मुझे नहीं पता कि खुद उनकी अपनी जमात में क्या उनके बारे में राय है वो तो नहीं लास्ट टाइम उनको सी में बुलाया गया जी जी उन्होंने तकरीर की किसी ने उठ के कहा कि ये हमारी मुखालिफ सियासी जमात के मौकफ को आगे बढ़ाते हैं गुलाम साहब ने कहा जब मुझे एतराज कोई नहीं आपको क्यों है बैठ जाए और उनको पूरी तकरीर करने का मौका दिया गया ये है उनकी जमात का उनके बारे में सो दिस इज ऑल एंड लेकिन एक साहब ने उनको शोकास भी दिया था अगर आपको उससे पहले जी जी लेकिन उनके मामला चलते रहते हैं उनके मामला मोहतरमा के साथ भी आ, कशीदा भी रहे हैं ये मेरे मूवमेंट के दौरान खूब और और जब नई नई पीपुल्स पार्टी की हुकूमत बनी उस वक्त उनके और जरदारी साहब के जो मामला थे वो भी खासे कशीदा लेकिन क्या वजह है कि पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनके बायर या जो उनके एल आईज हैं उनके बायर सब कहते हैं कि पीएमएलएन इस वक्त किंग्स पार्टी क्यों कहा जा रहा है देखें आप वो तमाम सवाल पूछ रहे हैं जो न निगरान हुकूमत से मुतालिक है सी टोपी पहन नहीं मैंने अभी आ, कोई टोपी नहीं पहनी तो मैं उनके बारे में टोपी पहनाने के चक्कर में आज कर मैं आपको कोई टोपी <laughs> नहीं पहनाने जा रहा ऑन लाइट मैंने बड़ी कोशिश की आपको मैंने कहा था मैं कोई मजाक नहीं करूंगा वो जुमला आपने ऐसा कह दिया जिसके बाद मुझे कहना पड़ा वैसे ही कह दिया मैंने मिया साहब ये कहते हैं आज तकरीर सुन रहा परसों तरसों फिर ये बात हुई ये एक परसेप्शन बनी कि मियां साहब ने एहतसाब की बात की जो 2018 में हुआ सबका एहतसाब होना चाहिए शहबाज शरीफ साहब गए मियां साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ वापस आके उन्होंने नपीतुली तकरीर की मीनार पाकिस्तान पे लेकिन अखबार लिख रहे हैं कमेंटेटर्स कमेंट्री कर रहे हैं कि मियां साहब ने परसों तरसों फिर वही गुफ्तु दोहराई आज मैं उनकी तकरीर सुन रहा था फिर उन्होंने कहा कि कौन जानना चाहती है कि तरक्की के सफर को कैसे रोका गया पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया न जाने ऐसा क्यों किया और एहतसाब होना चाहिए वट इज योर टेक ऑन दिस क्या एहतसाब होना चाहिए क्योंकि वो बात उस वक्त की मिलिट्री स्टेबलिशमेंट की कर मैंने उनकी जो बातें हैं वो गौर से और दिलचस्पी से सुनी है और क्या अंदाजा लगाया उससे आप मैं उसके बारे में अंदाजा लगाना नहीं चाहता क्योंकि कुछ मामला ऐसे हैं जो कि तारीख से मुतलिक हैं कुछ मामला ऐसे हैं जो कि अदालतों से मुतलिक हैं तो उसके बारे में हम क्या तबसरा करें एहतसाब होना चाहिए एहतसाब तो सबका होना चाहिए अगर वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के उस वक्त के लोग थे जिन्होंने की उनका भी होना चाहिए ये तो उनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा ना कि अगर वो स्टैब्लिश कर पाए तो उनका भी होना चाहिए देखिये अगर कोई बात स्टैब्लिश होती है अभी आप देखें कि 45-50 साल पुराना केस अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया है ना उसके अंदर सवाल तो उठेंगे बहुत सारे सवाल उठेंगे तो सवाल के जवाब तो आएंगे सो तो आपको लगता है कि इसका भी सवाल का जवाब आना चाहिए कि अट्ठारह में क्या मुझे हो? नहीं पता कि जो उन्होंने सवालात उठाए हैं वो वाकई संजीदा सवालत हैं या वो एक सियासी बहस के सवालत हैं या एक अकेडमिक डिस्कशन के सवालत हैं मुझे नहीं पता कि वो उसको किस हद हाँ तक लेकर जाएंगे वो वही इसके बारे में उन्होंने जुमला ये इस्तेमाल किया कि हमारा इरादा सिर्फ हुकूमत और लग, लग्जरी गाड़ियां लेना नहीं है हुकूमत लेकर है तो एहतसाब उन्होंने करना है किसने करना है एहतसाब के लिए तो इदारे मौजूद हैं अदालत मौजूद है कानून मौजूद है तो वो तो मिया साहब आप ये कह रहे हैं मिया साहब कौन सल... है नहीं मेरा नहीं ख्याल है कि वो एहतसाब कर सकते हैं ना मेरा ख्याल है के उनका मकसद ये होगा कि जी मैं एहतिस करूंगा कमीशन अगर बनाना चाहे तो वो तो हुकूमत वक्त ही बनाएगी ना हाँ लेकिन कमीशन बनाना और चीज है कमीशन बहुत सारे बने हैं एक एमटाबाद कमीशन भी था एक एक और बना लेंगे जिसकी रिपोर्ट ना आए कि फर्क पहले ये मैं कह नहीं सकता ना कि अगर माजी में आ, आप कहना ये चाह रहे हैं कि माजी में अगर किसी कमीशन से कुछ नहीं हुआ तो सब जान दो नहीं मैं ये भी नहीं कहता हमारी जो कमीशंस का जो माजी है जो तारीख है वो कुछ बहुत ज्यादा रोशन नहीं है हमने बेहतर करना उस तारीख को जी उस तारीख को हम बेहतर करना चाहते हैं बेहतर होना चाहिए वरना उन कमीशंस बनाने की कैसे बेहतर होगा जी कैसे होगा बेहतर बेहतर इसी तरह से होगा कि हमारे जो साहब इदारे भी जवाब सजा जजा हो जी जी बिल्कुल तो सबकी होनी चाहिए सबकी होनी चाहिए फिर मैं सवाल दोहराऊंगा और आप कहेंगे लेकिन इसके लिए सबूत चाहिए जाहिर बगैर सबूत के तो कोई सजा नहीं होती ना आगे भोसला चार पांच साल बाद एक और पॉलिटिकल पार्टी उठ के कहे जिसका नाम तहरीके इंसाफ है कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई हम जलसा करने जाते हैं तो हमारी कुर्सियां सोफे उठा के ले जाते हैं पंजाब में जैसे दिन मियाँ साहब का जलसा है, हमने लिबर्टी चौक मांगा उस दिन हमें जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई उनका यह दुरुस्त है गिला टेकर से कि हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही शिकायत करना जो है वो उनका हक है वो उनको जरूर करना चाहिए अगर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है लेकिन शिकायत के अजाले के बहुत सारे फोरम्स मौजूद हैं अदालतें भी मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है अगर निगरान हुकूमत से या खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत से या जिले इंतजामिया से उनको शिकायत है तो उसके अजाले के जो फोरम्स हैं वो मौजूद हैं वो उनको जरूर करनी चाहिए आप भी उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं एक तरह से देखिए ज... देखिए दे... हर सियासी सियासी को क्या मौका मिलना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए अगर आप अगर ये लगे कि उनको जल से नहीं किए जा रहे उनके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं तो क्या आप अगर साफी के तौर पर होते तो आपने क्या आवाज ना उठाते देखे गिरफ्तारी किस मकसद के तहत इलेक्शन के माहौल में आप पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस के ऊपर अगर कर गिरफ्तार करें तो वुड यू रेज दैट योर वॉइस आप कहेंगे क्योंकि साफी तो आपने वापस जाना ही अपने प्रोफेशन जी अगर एम पी ओ के तहत हो रही है तो ये देखना होगा कि कोई वाकई ऐसी वजह है कि वो वाकई नक्स अमन के लिए खतरा है वो शख्स या वो ग्रोह फिर तो उसका कोई जवाब होता है लेकिन अगर वो सिर्फ इसलिए है कि आपने कोई सियासी सरगर्मी करनी है पुरो कानून के तहत फिर तो नहीं बनता एम पी ओ लेकिन अगर किसी के खिलाफ गलत एमपीओ का इस्तेमाल हुआ है तो उनके पास रास्ते मौजूद हैं उसको एड्रेस करने के और ये होने भी चाहिए ये बताएं आजम साहब इज गिविंग इंटरव्यूज क्या बहुत सी ऐसी चीज देखकर लगता है कि केयर टेकर का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है और होना चाहिए भी यू थिंक इज मतलब मैं अब आप मुझसे स्पेसिफिक मांगेंगे और मैं स्पेसिफिक में शायद ना जाना चाहूं लेकिन क्या ये लग रहा है कि वो थोड़ा सा के जैसा साहब की तो शायद शक्ल भी किसी को याद ना रही ना याद ना हो जो लास्ट टाइम थे यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं इंटरव्यूज दे रहे हैं ऑल ऑफ दैट शुड ही टू दिस प्रिंसिपली पूछ रहा हूं आपसे मेरा ख्याल लो की रखना चाहिए अपने आप को नहीं मेरे ख्याल में ये लो की रहना जरूरी नहीं है खासतौर पर जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसका मवाजना पिछली निगरान हुकूमतों से नहीं करना चाहिए एक तो जो अख्तियार है मौजूदा निगरान हुकूमत का जो तब्दीलियां कानून में करके गई है पिछली हुकूमत और तो पार्लिमान वो जरा नस्बतान ज्यादा बाख्तियार है मौजूदा निगरान हुकूमत फिर आप ये भी देखें कि अगस्त में ये एक्सपोजर की हो रही है सर एक्सपोजर देखें अगर आप उनसे कोई सवाल पूछते हैं या कोई उनको कोई मौका मिलता है क्या वो अपनी जतीी तशहर कर रहे हैं या जो रियासती जो मामला हैं उस पर जो रियासत का हुकूमत का जो मौकफ होना चाहिए वो बयान कर रहे हैं अब उनके अंदर एक सलाहियत है बेहतर तरीके से मामला को बयान करने की तो वो क्यों ना यूनिवर्सिटीज में जाए क्यों ना वो इंट्रोड्यूसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं किसी का नुमाइंदा नहीं है उसने तो सिर्फ तले सुट के लिए नहीं आ, जो आ, आर्टिकल दो सौ चौबीस के तहत जो तरमीम हुई वो एक आईनी प्रोसेस में यह हुकूमत बनी है तो यह आईनी और कानूनी हुकूमत है और यह रियासत और हुकूमत पाकिस्तान की ही नुमाइंदगी करते हैं वो जाति नुमाएगी नहीं है बिल्कुल ठीक मैं मैं सिर्फ एक्सपोजर की इसलिए बात कर रहा था कि आपकी आपका ख्याल है ठीक है जो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो आप अगर सुन के तो सुना दूसरे दू। जो आपके अम्बैसटर साहब कमिश्नर इंग्लैंड सुनाए जी जरा ये नैरेटिव जल्दी शुरू हो आउट ऑफ दीवेटिव जी मेरे पास इसका कोई ट्रांसक्रिप्ट है क्योंकि मैं एक दो जुमले ही सुन पाएटिव नेगेटिव चेंज करें रोज रोज नेगेटिव नेगेटिव बन रहे मैं मैं चाहूंगा कि मैं ये पूरी ऑडियो सुनूं और अगर इसके अंदर कोई ऐसी खिलाफ कानून बात है तो बेहतर होगा कि वजारत खारजा उसका नोटिस ले अगर उन्होंने अपनी जो बट इट्स नहीं कन्वर्सेशन में भी यकीनी तौर पर एक सफारतकार अगर इसका मतलब यह है कि उन्होंने कोई सियासी मशवरा दे रहे हैं अगर उन्होंने दिया है क्योंकि मैंने गौर से पूरी तरह से नहीं सुना लेकिन अगर उन्होंने किसी तौर से अपने प्रोफेशनल जो एब्लिकेशन हैं वो लाइन क्रॉस की है तो वजारत खारजा उसका नोटिस लेगी या उसको लेना चाहिए आखिर में जदारी साहब का भी इंटरव्यू उन्होंने दिया है एक तो इमरान खान साहब को लाडला कहकर बड़ी तनकीद की जो कि एक ऑब्वियस बात है पिछले पांच साल से ये तनकीद हो रही है जिस तरह उनको सपोर्ट किया गया था दो के इलेक्शन में तो कोई ऐसी गैरमंत्री बात नहीं लेकिन वो चार्ट इकोनॉमी की बात दोबारा कर रहे हैं एज अ बाई स्टैंड इंटर्म आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजों की जरूरत है कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो चार्टर इकोनॉमी हो यू नो मुल्क को ठीक रास्ते पर चलाने का पॉलिटिक्स की की बदलनी चाहिए सिर्फ गाल, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर है गालम गलोच से आगे बढ़कर वी नीड टू नो रूल्स ऑफ द गेम नए डिसाइड करें कुछ हैपन ये आपको ख्याल है ठीक चल रहा है जैसे चल रहा नहीं मेरे ख्याल में तो ये एक जिसको पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं पॉलिटिक्स में ये शुरू हुई थी खुद जब आ, पी टी आई हुकूमत में आई थी अगर आपको याद हो तो जरदारी साहब ने भी ये बात की थी शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त वो कायदे हिजब अखिलाफ थे उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रद्द कर दिया था ये कौन है ऑफर करने हाँ लेकिन वो, वो उन्होंने किया और वो आज भी इस मौकफ पर कायम है शहबाज साहब तो बात यह है कि जो बुनियादी जो मसाइल हैं इस मुल्क के मीषत के खासतौर पर के हर चीज पर सियासत नहीं हो सकती है अब आप ये देखें कोई कहता प्राइवेटाइजेशन करें कोई कहता ना करें देखिए फैसला देखें, ना कि क्या आप, कर लेना ठीक है तो ये पूरा आपका डिफेंस बजट वन पॉइंट एट ट्रिलियन है तो उसके बराबर बराबर जो है सिर्फ एक जी होलसेल है रिटेल है रियल स्टेट है एग्रीकल्चरल इनकम जो है सबके सबको तो फैसले कर लें क्या करना चाहिए जो बुनियादी जो मसाइल हैं उस पर एक कौमी इतफाक राय होना चाहिए और खुद सियासत पे भी होना चाहिए हर चीज पे सियासत नहीं हो सकती आप तो ये तो कहें के तो कि के जी ये जो इकोनॉमिक एजेंडा है ये मैं बेहतर तरीके से इसको परफॉर्म कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर एहलियत ज्यादा है लोगों को फैसला करने दें कि वो क्या करते हैं लेकिन मतलब पिछहत्तर छह साल हो गए अभी तक हमें ये नहीं पता करना कि करना क्या क्या करना है मैं कल भी बिलावल साहब का इंटरव्यू पा रहा था कल परसों उन्होंने तकरीर ने तक ये मियाँ साहब को नहीं खरीदने दूंगा अभी भी उनका ख्याल है कि उसको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए जबकि सारों का ख्याल है स्टेट कांट रन पब्लिक ये बिजनेस नहीं रन करने चाहिए उनको लेकिन बहुत शुक्रिया सोलंगी साहब छोटा टाइम था लेकिन गल करते हो पता नहीं लग गया अंग थैंक यू सो मच एक ब्रेक लेते नाजिंद ब्रेक आता आपके साथ वेलकम बैक नाजीन हाशिम डोगर साहब हमारे साथ, साथ मौजूद है सबक वजी दाखिला भी हैं और इस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से भी है मुलाकात हुई है डोगर साहब पहले आपके पास आपकी तरफ आने से पहले आपके बारे में आने से पहले जहांगीर तरीन साहब की शबाज शरीफ साहब से कोई सीट एडजस्टमेंट हुई है आप लोगों की अभी एक मुलाकात हुई है जो कि तरीन साहब की और शबाज साहब की हुई है उसके बाद फिर तरीन साहब ने अगले दिन चंद मखसूस पार्टी के लोग दस बारह लोग बुलाए थे और उनसे फिर ये बातचीत हुई डिटेल से कि हमें कैसे इस पे आगे जाना चाहिए तो जनरली तो लोगों ने यही कहा जी हम क्या का फैसला मानेंगे हमें जो भी हुक्म मिलेगा हम उसका अमल करेंगे अब आप मीटिंग का, का हिस्सा थे जो सी सी की मीटिंग मैं था मैं उस मीटिंग में ठीक है सर आपकी पार्टी की लीडरशिप तो लोगों को यह कह रही है कि हमें तीस सीटें कौमी असम्बली की और सुबाई असेंबली पंजाब असेंबली का वजी हमारा होगा ये बात ठीक है आपकी पार्टी में बातचीत चल रही है आ, बिल्कुल देखें हर पार्टी की ख्वाहिश होगी कि उनको जितना भी बेहतर से बेहतर वजारत आला मिल जाए वजारत मिल जाए मगर कोई ऐसा सच ये जो 20 और 40 का फिगर आ रहा है मैं तो इसको फिलहाल तो एंडोर्स नहीं करूंगा उसकी वजह यह है कि कोई ऐसी बात हुई नहीं पार्टी में ये कोई अंदरूनी किसी की अपनी स्पेकुलेशन हो सकती है या शायद ये वो जो तीन रुकनी कमेटी बनी है जो नवाज लीग के साथ कर रही है इंटरेक्ट उन्होंने कोई ऐसा फिगर दिया भी हो जो अभी तक पब्लिक नहीं किया मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि कल असल में मुतव है कि हम ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको बता सकेंगे कल चार बजे हमारी सीईसी की मीटिंग है और उसके अंदर ये जो भी फैसला होगा फिर आपसे शेयर करेंगे so, आप इसकाम पाकिस्तान का हिस्सा है जी मैं बिल्कुल हूं अगला इलेक्शन इसी टिकट पर लड़ेंगे काफी चीजें होती हैं जो इंसान सोचता भी है और करता भी है हमारी देखें मैं आपसे कर्ज करूं कि मेरी तो नेचर ऐसी है कि हम हमने हमेशा क्यादत के फैसले तस्लीम किए जब पंजाब असम्बली में थे एक सौ छियासी हमारे अरकान थे एक सौ छियासी में से एक सौ सत्तर कह रहे थे कि हमें पंजाब असम्बली डिजॉल्व नहीं करनी चाहिए जो हमारे एक सौ चालीस एम एल ए थे उनमें से शायद नाइन्टी परसेंट चाह रहे थे कि ना हो तो क्यादत ने फैसला किया और हमने तो वो सारे तस्लीम किए थे उस वक्त हम एक सौ छियासी में से एक बंदा भी स्लिप हो जाता या गलत क्योंकि था भी सीक्रेट वोटिंग तो शायद ये पिछले महीने तक हमारी पंजाब में हुकूमत होती तो पार्टी के अंदर रहते हुए आपकी जाति सोच जो भी हो मैं समझता हूं कि फिर आप पार्टी का हिस्सा नहीं अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट डिशन लीग से, से तहाद हो जाता आप फिर भी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे इस तरह कहा पाकिस्तान से मेरी अभी तक तो यही सोच है और अब देखें पहले पीटीआई में थे और बड़े डाया हार्ड अपने आप को उसका वर्कर सपोर्टर समझते थे मजबूरी आ गई अगर वो नौ मई का वाक्य ना होता तो शायद ये सारे जो डिफिकल्ट डिसीजन हैं ये ना करने पड़ते तो फ्रेंकली स्पीकिंग आप आगे फैसला करेंगे सबके साथ मिलकर दोस्तों के साथ सियासत में आपकी एज ए इंडिविजुअल तो कोई बहुत कम आपकी कैपेसिटी होती है तो अगर आपने पार्टी तो में चलना है तो हमें दो सौ तीन सौ फैसला है? करना है डॉक्टर साहब आपने कि हमने पार्टी में रहना है कि नहीं रहना नहीं उसमें फैसला ये होगा ना सबसे पहला तो कल हमारी मीटिंग है जिसमें ये डिसीजन होगा कि क्या हमें आ, शेक हैंड करना चाहिए लीग के साथ आपका क्या होगा करना चाहिए तो या नहीं अगर आप मेरे से बहुत ऑनेस्ट पूछें तो हमें अपनी शिनाख्त रखनी चाहिए क्या होगा ज्यादा से ज्यादा आप सीटें कम जीत जाएंगे या नहीं भी जीतेंगे तो क्या होगा मगर अब सारी उम्र सियासत करके और ये हा एक बयानियां बना के कि ये जो पीडीएम की तेरह जमातें हैं इन्होंने सत्यानाश कर दिया और खासतौर पे जो सोलह माह टेन्योर था उसको पब्लिक में कैसे हम डिफेंड करेंगे अब जाके जबकि हम तो सोलह माह में उसका हिस्सा भी नहीं थे हम में से सिर्फ शायद एक दो लोग थे और आपने तो अपनी सारी तो सियासत तो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ की है जो आपने तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर मैंने, हाँ मैंने जाती तौर पर किया है मगर इन, इन द पास्ट मेरे वाले साहब तो दो दफा एमएलए रहे पीपल्स पार्टी से और दो दफा एम पी ए भी रहे नून लीग में हमने कभी सियासत नहीं की कम अज कम मेरी फैमिली ने तो नहीं की तो अब ये कल के बाद फिर ये डिसीजन लेंगे कि क्या होगा और क्या करना है मुकाबला तरिक, किससे है तरीके इलेक्शन में नजर आ रही है आपको मुझे तो नजर आ रही है और किस हद तक यानी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी इसमें जो मेरी अभी तक जो चले मेरी सोच है या जो मुझे पता है कि वो चंद लोग जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे नौ मई के वाक्यात में या जिनके ऊपर कोई जुडिशल केसेस हैं या अगर वो ऑलरेडी उनको सजा हो जाती है तो उसके बाद जो अवेलेबल क्यादत होगी मेरा तो ख्याल है कि उनको मौका मिलेगा और वो इलेक्शन लड़ेंगे और ये इन्फॉर्मेशन है आपकी बिकॉज आप जा रहे हैं आपका, uh, आपका, है, आपका है। फौज से ताल्लुक रहा है यू सर्व इन द आर्मी बड़ी इंपॉर्टेंट आप जगह पे सर्व करते रहे सो यू दिस इज योर इन्फॉर्मेशन देखें मुझे ये बताएं काशिफ साहब कि फिर या तो ए, अगर एक पार्टी एग्जिस्ट करती है तो उसको कैसे इलेक्टोरल प्रोसेस से मुकम्मल कंप्लीटली बाहर रखा जाएगा तो उसकी क्या फिर इलेक्शन की ऑथेंटिसिटी क्या होगी तो इसमें ये जरूरी है कि अगर आपने इस्तेकाम इस मुल्क में लेके आना है तो ये बात तो दुरुस्त है कि पंजाब की जो सूरत हाल है उसके अंदर हमें तो कोई लीडरशिप ही नजर नहीं आ रही केपीके -के में है और आप देख रहे हैं रोज वहां पे रैलीज हो रही हैं और वहां पे कन्वेंशन हो रहे हैं पंजाब में तो कोई क्या ही नहीं है कि जो बात बच्ची को नहीं ना सर क्या तो, हो तो, सो ये बात तो आपकी ठीक है जी मैं क्या बच्ची कोई नहीं था की करिए रोला ये <laughs> बस यही बात है जी? मतलब आप भी छोड़ गए और जो लोग थे आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं होम मिनिस्टर हैं पंजाब में लेकिन आप भी छोड़ गए सो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए वो नौ मई का वाक्य था ज़ाहिर आप उसका हिस्सा नहीं भी थे लेकिन फिर भी आप छोड़ के चले गए तो ये बताए सर कि आपको आने वाले ये जो आपकी पार्टी है उसका मस्तकबिल क्या नजर आ रहा है इसका देखें मुस्तबिलशिफ साहब एक तो बात जो शायद आपको भी सोचते होंगे या आपके इलम में होगा मुझे तो कोई भी सियासी जमात अगले इलेक्शन के अंदर क्लियर सिंपल मेजोरिटी भी लेती नजर नहीं आती कैसे नून लीग को तो कैसे को रोकेंगे आप इस... मुझे बताएं पंजाब में नून लीग को रोकेगा कौन मुकाबला कौन देगा उनको पंजाब में नून लीग का कई जगह पे पीटीआई मुकाबला करेगी और अगर ये आईपीपी का अलायंस नहीं होता तो ये भी करेगी आपका आप तो खुशहमी ना आपका भी तो मुकाबला, ये 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 मुकाबला नहीं है मुस्लिम लीग उनका दो चार नगीने ऐसे होंगे जिनका वोट होगा बाकी तो किसी का वोट ही नहीं है कैसे मुकाबला करेंगे शहरों में तो पार्टियों का वोट है ये आपको ये काशिफ साहब आपको किसने कहा कि हमारा वोट नहीं है हम सबके अपने वोट हैं फिर ये तेरह में क्यों नहीं स्वीप किया हमारा हल्का मेरे तो मैं पहले भी कहता हूं कि मेरे राइट लेफ्ट बारह सीटें तो ढूंढी जीती थी पिछले इलेक्शन में बीच में दरमियान में आके तो मैंने भी सीट निकाल एक आधी सीट के अलावा मैंने कहा सीटें आप लोगों की ऐसी होंगी जहां आपके कंपीट कौं, कौं, कौंप, करने वाले होंगे बाकी तो, बाकी कौन करेगा मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की बात बताता हूं कि दस सीटों में हमारे जो आईपीपी के लोग हैं आसिफ नकई साहब हैं तालिब नकई साहब हैं ये लोग बड़ा अच्छा खासा अपना जाति वोट बैंक रखते हैं लेकिन आपको बताइए जो पुराने चले आ रहे हैं दो दो तीन तीन नून लीग का या मुकाबला पार्टियों का होता है पंजाब में लाजली चंद सीटों के ऊपर कोई इंडिपेंडेंट जीत जाएगा कोई इस तरह का कदा, कदावर शख्सियत जीत जाएगी ये बात तो आप मानते हैं ना जी बिल्कुल ये मैं बात मानता हूं और शायद इसीलिए आईपीपी में जो ये सोच है कि चले आप नून लीग की हेल्प लेके तो आगे अपना इलेक्शन क्लियर करें शायद ये डेवेलप भी इसीलिए हुई होगी कितनी सीटें दे देगी नून आपको चले मेरा आखिरी सवाल है सर सूट नून आपको कितनी सीटें दे देगी आपका दे आप लोगों का जमशन क्या है मेरा जाती ख्याल है कि शायद ये जो 40 का फिगर